तो कुछ ध्वनियों का प्रतीक चिन्ह नहीं है जिसकी आवश्यकता भी नहीं है हमको। जैसे कुछ हम ध्वनि बोल रहे हैं, इसको अगर कोई लिख कर दिखाए, जैसे बोले ये कैसे लिखा जाएगा, नहीं लिखा जा सकता है, ये भी नहीं लिखा जा सकता है, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है हमको लिखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ देख चुके थे जो कि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, बीएड एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं तथा अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ वीडियो देख मतलब वीडियो में कुछ चीज़ों को देख चुके थे, जैसे कि भाषा हो गया, भाषा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, आज उसके आगे से देखेंगे। तो आज उसके आगे से देखने वाले हैं हम लोग। पढ़ाई अगर करना है तो हार नहीं मानना है, ठीक है। अभी हार मत मानो, अभी हार मत मानो क्योंकि तुमको बहुत दूर तक जाना है। अभी हार मत मानो क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। जो कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो अगर हार मानकर बैठ जाएंगे तो जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। उनको भी दिखाना है। जो मज़ा लेने वाले रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं जो हंसते हैं, जब आप नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तकदीर तो आप, तकदीर आप ही बनाएंगे, ठीक है। तो तकदीर, तकदीर कुछ नहीं होता है। तकदीर अगर आप अच्छा करेंगे तो तकदीर भी अच्छी होगी, ठीक है। तो आपका संघर्ष और अच्छी शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो आपके बंद भाग्य को आसानी से खोल देगी, ठीक है। तो भाग्य वोग्य कुछ होता नहीं है, भाग्य आप खोल सक जब भाग्य को खोलने की एक ही चाबी है, वो आपकी कड़ी मेहनत और सही दिशा में शिक्षा, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं जो पढ़े थे कल उसके आगे से देखते हैं, तो इससे मिटाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, क्योंकि कल हम लोग भाषा के बारे में देख चुके थे। कल जो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग भाषा के बारे में देख चुके थे, आज वर्ण विचार देखेंगे। वर्ण और बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में देखेंगे, आप ये पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या देखने वाले हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साफ तो दिख रहा है, ठीक है। तो वर्ण विचार हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण विचार में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, सबसे पहले ध्वनि को देखते हैं। क्या ध्वनि, ध्वनि क्या है? वर्णमाला में सबसे पहले ध्वनि को जानना जरूरी है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या चीज, क्या है जो भी हमारे मुख मुख से निकल रही है आवाज़, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, अ क घ प, जो भी बोल रहे हैं यही ध्वनि है, ठीक है। तो जितनी ध्वनियों को लिखने के लिए प्रतीक चिन्ह बना दिया गया है उसको तो लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी बोल रहे हैं ये ध्वनि है। ध्वनि क्या है? मुख से जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं वही क्या है? वही ध्वनि है, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं वो ध्वनि है। और वर्ण किसे कहेंगे? तो ध्वनि को देख लिए, वर्ण क्या है वर्ण को देखते हैं। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं इसी को जब लिख देते हैं तो इसी को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। ध्वनियों को, जो ध्वनियाँ हम बोल रहे हैं, जब तक हम बोल रहे हैं मुँह से तब तक उसको ध्वनि कहेंगे।
लेकिन जब उसको लिख देंगे, लिपिबद्ध कर देंगे, तो इसी को हम कहेंगे वर्ण। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ध्वनियों का लिपिबद्ध रूप, लिपिबद्ध रूप ध्वनियों का लिपिबद्ध रूप क्या है? लिपिबद्ध का मतलब लिखा हुआ रूप। ठीक है, लिखा हुआ ध्वनियों का लिखा हुआ रूप वर्ण कहलाता है। जो भी जब तक तो हम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अ ग ख चाहे जो भी बोल रहे हैं, जब तक बोल रहे हैं इसको ध्वनि कहेंगे। लेकिन इसी को जब हम एक चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में लिख देंगे, तो इसी को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं अ क, ये सभी ध्वनियाँ हैं, लेकिन जब इसको लिख देंगे यहाँ पे अ या क चाहे जो भी लिख देंगे, तो इसको वर्ण कहेंगे या अक्षर कहेंगे। ठीक है, तो वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं हम लोग वर्ण और अक्षर। देखिए, वर्ण क्या होता है? ध्वनियों का लिपिबद्ध रूप वर्ण होता है, और इसका खंड नहीं किया जा सकता है, किसका खंड नहीं किया जा सकता है? खंड, खंड का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, वर्ण जो होता है उसको उससे छोटा नहीं तोड़ा जा सकता है, इसको जानते रहिए। खंड करना मतलब तोड़ना, अलग करना। ठीक है, तो इसका खंड नहीं किया जा सकता है। किसका खंड नहीं किया जा सकता है? वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, क ख ग, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ये सभी वर्ण हैं। जब हलंत नीचे लगा है तभी वर्ण हैं, अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखें क तो इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? क प्लस अ है, आधा क प्लस अ है, क बोलकर देखिए अ आता है, क अ आता है। ठीक है, तो इसको तोड़ा जा सकता है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर हलंत लगा देंगे, हल नीचे लगा देंगे, हल चिन्ह लगा देंगे, तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, तब ये इसको कहेंगे वर्ण कहेंगे। अगर ऐसे लिख देंगे तो ये अक्षर हो गया। ठीक है, हलंत हटा देंगे, हल हटा देंगे नीचे जो है, तो अक्षर कहेंगे इसको। और वर्ण, वर्ण को वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता है, इसको आप लोग बहुत बहुत बार पढ़े होंगे कि वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अक्षर का खंड किया जा सकता है, अक्षर को तोड़ा जा सकता है। तो वर्ण और अक्षर में अंतर यही था। ठीक है, वर्ण और अक्षर में यही अंतर था। अब देख लेते हैं लिपि क्या होता है, लिपि को भी देख लेते हैं, जब ये सब देख रहे हैं तो लिपि मतलब लिखने के लिए। तो मौखिक ध्वनियों का लिपिबद्ध चिन्ह होता है, मौखिक ध्वनियों के लिपिबद्ध चिन्ह को हम कहते हैं लिपि कहते हैं। लिपिबद्ध मतलब लिखित चिन्ह। ठीक है, लिपिबद्ध यहाँ नहीं, मतलब लिखा हुआ चिन्ह, लिखने के लिए चिन्ह, जो मौखिक ध्वनियों को, जो भी हम बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए जो चिन्ह बनाया जाता है, उसी को कहते हैं लिपि। ठीक है, जैसे ए हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इसकी लिपि है देवनागरी, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब क्या देखने वाले हैं? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, तो जैसे फूल माला यहाँ हम लिखें फूल माला, तो ये क्या हुआ फूल माला? इसको पहले समझते हैं। फूल का मतलब जानते हैं, फूल माला का मतलब समूह होता है, माला का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह होता है माला का मतलब। तो इसी तरह से इसको भी देखेंगे,
वर्ण का मतलब वर्ण जो देखे अभी हम लोग, इसमें दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। और माला का मतलब समूह, यहाँ देख देख चुके हैं आप लोग। माला का मतलब क्या हुआ? समूह हुआ, ठीक है। तो वर्णमाला यानी वर्णों का समूह क्या हुआ? वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह क्या हुआ? वर्णमाला हुआ। लेकिन ऐसे चाहे जैसे वर्णों का समूह, वर्णमाला नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो वर्णों का समूह चाहे जैसे समूह थोड़ी रख देंगे। जैसे देखिए, क घ प य द, ये इस तरह से समूह हम बना लें, पूरे वर्णों का समूह बना लें, क्या इसको वर्णमाला कहेंगे? इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे, ठीक है। ये वर्णमाला थोड़ी हुआ, वर्णों का समूह ही वर्णमाला नहीं कहा जा सकता है। वर्णों का, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, कहते हैं। ये परिभाषा सही परिभाषा है, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों का समूह तो रहेगा लेकिन चाहे जैसे मनमानी थोड़ी रहेगा। व्यवस्थित मतलब व्यवस्था में, सही व्यवस्था में। जैसे क के बाद ख आना चाहिए, ख के बाद ग आना चाहिए, ग के बाद घ, घ के बाद अंग, ये सही व्यवस्था है, ठीक है। व्यवस्थित समूह ए हुआ। इसके बाद च, छ, ज, इस तरह से। सबसे पहले तो अ ई आएगा जो कि स्वर रहेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तो मतलब ये उदाहरण देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, अभी तो सभी बाकी है, ठीक है। तो इस तरह से वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहेंगे, न कि चाहे जैसे मनमानी वर्ण जुटा कर रख दिए वर्णमाला कह दिए। नहीं, फूल माला तो फूल जुटा लेंगे, लाल पीला सभी जुटा लेंगे तो फूल माला बन गया, जुटा करके गुथ दिए। लेकिन ये वर्णमाला में ऐसे थोड़ी मनमानी रख देंगे तो वर्णमाला हो गया, नहीं। इसमें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह होना चाहिए, ठीक है। एक व्यवस्था में समूह होना चाहिए तभी वर्णमाला कहेंगे, नहीं तो वर्णमाला नहीं है, ठीक। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो वर्णमाला देख रहे हैं हम लोग। वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इसको भी देखना जरूरी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्वर कहेंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है, मुखांग, 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 मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं उसे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, स्वर कहते हैं उसे, उसे स्वर कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो मुखांग का मतलब मुख के अंग कहीं स्पर्श नहीं करते हैं, वो स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजन में, इस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुखांग स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। कैसे स्पर्श करते हैं उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। पहले तो अभी स्वर को समझ रहे हैं, इसके बाद जब व्यंजन की बारी आएगी तो व्यंजन भी देख लेंगे। मुखांग स्पर्श करते हैं व्यंजन को बोलने में, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर की परिभाषा, जिन ध्वनियों को या वर्णों को बोलने में
किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो होते हैं हमारे स्वर। ठीक है, तो ये हो गए। और स्वरों की संख्या है 11, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और दो होते हैं अयोगवाह। दो क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह ध्वनियाँ हैं दो, जिसको एक को अनुस्वार कहते हैं, एक को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग, इसको अभी देख रहे हैं, अभी आगे देखने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है। तो ये हो गया, इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं स्वर वर्णों को। सबसे पहले अयोगवाह को देख लेते हैं, स्वर व्यंजन तो देख चुके, अयोगवाह को देखेंगे। अयोगवाह ध्वनियाँ, अयोगवाह जिनका योग किसी ध्वनि के साथ नहीं होता है, अयोगवाह कहते हैं। जिन ध्वनियों का, ऐसे लिखिए, वे ध्वनियाँ जिनका योग किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, अयोगवाह वे ध्वनियाँ हैं जिनका योग किसी के साथ नहीं होता है। तो देखते हैं इसको, अयोगवाह ध्वनियाँ दो हैं, कौन कौन से हैं? एक का नाम है अंग, एक है अह। अंग को कहते हैं अनुस्वार, अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अह को कहते हैं विसर्ग। ठीक, एक का नाम अनुस्वार है, एक का नाम है विसर्ग। ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अयोगवाह ध्वनियाँ हो गई। ठीक है, तो अयोगवाह देख लिए, इसके आगे चलते हैं। अब स्वर को शुरू करेंगे, एकदम विस्तार पूर्वक देखेंगे हम लोग। ठीक, स्वर को अब देखने वाले हैं, अब आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए अब स्वर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। स्वर को देखिए, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं कुल। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, अ आ ई ई ऊ ऊ री, फिर ए ऐ ओ औ, अंग अह नहीं, अंग अह नहीं, अंग अह तो क्या है, अभी अभी देखे, अंग अह हैं अयोगवाह ध्वनियाँ जिनको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, तो अंग अह इसमें नहीं आता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वर 11 ही होते हैं, कितने? 11 स्वर होते हैं, और 11 स्वरों में भी क्या होता है, इसको अब इसका भी वर्गीकरण कर सकते हैं। उच्चारण काल के आधार पर इसको दो भागों में बांट देते हैं, कितने भागों में? दो भागों में, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण या दो भागों में बांटा गया है, यहाँ स्वरों को उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देख लेते हैं, एक तो होता है हमारा ह्रस्व स्वर होता है, एक होता है दीर्घ स्वर। एक क्या होता है? एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व का नाम होता है लघु, इसको लघु भी कहा जाता है, लघु वर्ण भी कहा जाता है। इस दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है, गुरु वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं, तो ह्रस्व कौन होते हैं, कौन दीर्घ होते हैं? तो अ छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा, इसके बाद री, ये सभी, ये चारों क्या हो गए? ह्रस्व स्वर या लघु वर्ण भी कहते हैं, इसको लघु स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ किसको कहते हैं? दीर्घ को देखिए, बड़े बड़े वर्ण सभी, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए ऐ ओ, इसके बाद औ, ये सभी क्या हुए? ये सभी हुए दीर्घ वर्ण और ये सभी हुए लघु वर्ण यानी ह्रस्व स्वर और ये हुए दीर्घ स्वर यानी गुरु वर्ण। तो ठीक है, इतने हुए। और ये जो चार होते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मूल स्वर भी, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं चारों को? मूल स्वर भी कहते हैं। किसको मूल स्वर कहते हैं? इन चारों को। ये जो चारों हैं मूल स्वर भी हैं, ठीक है, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है चारों को। और मूल स्वरों से जो बनते हैं उसको कहा जाता है संधि स्वर। क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। संधि स्वर कहिए चाहे कृत्रिम स्वर कहिए, कृत्रिम स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है, कृत्रिम स्वर भी कह सकते हैं और बनावटी स्वर भी कह सकते हैं। बनावटी स्वर मतलब बनाए गए हैं, कहने का मतलब इन चारों से ये सभी बनाए जा सकते हैं। मतलब मूल स्वर से संधि स्वर बनाए जाते हैं। संधि का मतलब मिलकर जो बनते हैं वो संधि स्वर होते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे अब चलते हैं। चलिए इसके आगे चलें। इतना आप लोग समझ गए होंगे, अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और आप लोग एकदम बढ़िया से समझ भी जाएंगे, विश्वास है मेरा।